लीजिए मैच नंबर 8 है और अबू धाबी में मैच होगा। वापस एक्शन अबू धाबी में आ रहा है और अबू धाबी में हाई स्कोरिंग मैचेस का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा क्योंकि विकेट बेहतर होता जाता है और मुझे लगता है कि खेलते खेलते सेटल डाउन भी हो जाता है। और मेरे इस मैच के जो मैच है हैदराबाद और कोलकाता के बीच में उसकी जो फैंटेसी टीम है वो इस प्रकार है। बेयरस्टो मेरे हीरो हैं, डेविड बेयरस्टो बड़े जबरदस्त प्लेयर मुझे लगते हैं। वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कितने इम्पैक्ट उनका रहा है टॉप ऑफ द ऑर्डर, और साथ ही साथ जिस तरह की पारी उन्होंने खेली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी हाल ही में सीरीज में। और ऐसा माना जाता है कि जब आप डिफरेंट कंडीशंस में आते हैं तो दिक्कत होती है प्लेयर को, क्योंकि आप पले बड़े हैं सीम और स्विंग में और बाउंस में, और एकदम से आके आपको लो फ्लैट पिचेस मिल जाए और गर्मी काफी है। पर ये ऐसा खिलाड़ी है जिसने बड़ा अच्छा अडेप्ट किया है और वन ऑफ द फ्यू वंस हु हैव हिट द ग्राउंड रनिंग। तो उनके साथ दिनेश कार्तिक एक्सपीरियंस का कोई सानी नहीं है, हालांकि अभी बहुत शुरुआत है इसलिए मैं ज्यादा एनालाइज नहीं करना चाहता हूं किसी की भी फॉर्म को। दो चार मैच खेलने के बाद पता लगेगा कि क्या बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, क्या कोई एक आधा आप अच्छा शॉट मार के अच्छी कैच पे भी आउट हो सकते हो या आपकी शॉट सिलेक्शन खराब है, ये थोड़े मैचेस के बाद पता लगेगा। तो दिनेश कार्तिक हैज गॉट दैट कंफर्ट जोन। मनीष पांडे अगेन वन ऑफ द स्टार्स फॉर मी, इज मेड अ कमबैक इन द इंडियन टीम। बहुत दिनों तक इंतजार करा, फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने 100 बनाया था आईपीएल में, पर उसके बाद कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट कंटिन्यू नहीं कर पाए। बहुत खिलाड़ियों के साथ ये दिक्कत रहती है कि वो एकदम से इनिशियल सक्सेस को कैरी ऑन करना बहुत मुश्किल रहता है। डेविड वॉर्नर हालांकि बड़ा अप एंड डाउन सीजन जा रहा है उनका, अभी इंग्लैंड में भी फेल होके आए हैं, यहां पे भी एक पारी में अच्छा खेलते हैं, दो तीन शॉट खेलते हैं, तो शायद कुछ दिक्कत है। वो पुराना वाला जो वॉर्नर है वो हमें नजर नहीं आ रहा डेविड वॉर्नर, तो उम्मीद करते हैं कि इस मैच में रन करेगा। और शुभमन गिल एक आधा यंगस्टर जो है आप बड़े एक्साइटेड रहते हैं, प्योर कैटेगरी में मानता हूं उन्हें मैं, टेस्ट क्रिकेट की कैटेगरी में ऐसा लगता है दिलीप वेंगसरकर खेल रहे हैं, स्टाइलिश प्लेयर। किस तरह से गेम चेंज करेंगे इनके पास एग्जांपल्स हैं, मयंक अग्रवाल ने जो पारी खेली है, केएल राहुल ने जो पारी खेली है, तो जो प्योर टेस्ट बैट्समैन है वो भी इस फॉर्मेट में शाइन कर सकते हैं और शुभमन गिल हैज टू लर्न फ्रॉम इट। एंड देन माय टू स्पिनर्स फॉर द गेम सुनील नारायण, राशिद खान अगेन अ चैंपियन बॉलर। सुनील नारायण के साथ दिक्कत यह है कि उनकी जो मिस्ट्री थी वो धीरे धीरे लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, उन्होंने एक्शन भी सीधा किया अपने गेम में, उन्होंने थोड़ा सा बदला उसको और मैं इस बात की तारीफ करता हूं। आसान नहीं होता कि एक खिलाड़ी को एक्शन चेंज करके वापस लेके आना, तो उनकी भी टॉप परफॉर्मेंस और टॉप ऑफ द ऑर्डर जो पिंच हिटर है वो भी अभी मुझे लगता है कि अभी अप इन द एयर है, कोई कंफर्म नहीं है कि वो इस पारी में, क्योंकि अब थोड़ा पकड़े जा चुके हैं, शॉर्ट पिच बॉल में हमेशा फंस जाते हैं। और आंड्रे रसल अगेन आई एम वेटिंग फॉर हिम टू परफॉर्म, बट व्हाट कैन यू से अबाउट द गाय, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हिम टू मच। एंड द थ्री सीमर्स भुवनेश्वर कुमार, शिवम मावी एंड पैट कमिंस। एंड पैट कमिंस तो मुझे लगता है भाई कि कुछ कर लें, क्योंकि 15.5 करोड़ रुपए में खरीदा है, ऐसा ना समझने कि 15.5 रन पर ओवर देने हैं उन्होंने, तो पुल अप योर सॉक्स, यू हैव टू परफॉर्म। एंड जब एक्स्ट्रा पैसे आपको दिए जाते हैं तो वो प्रेशर आप पे रहता है परफॉर्म करने का, हमने देखा था जावेद उनादकट भी जब बहुत महंगे खरीदे गए थे तो बहुत प्रेशर में आ गए थे और परफॉर्म नहीं कर पाए, और पैट कमिंस इज अ वर्ल्ड स्टार सो आई होप ही विल कम थ्रू दिस। बट मावी इज अगेन यंगस्टर इन द ब्रैकेट ऑफ शुभमन गिल एंड आई वॉन्ट हिम टू डू वेल। एंड भुवनेश्वर कुमार अगेन इफ द बॉल स्विंग्स ही विल बी डेंजरस।